मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आज बात करेंगे भाजपा के मिशन 11 की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में भाजपा के मिशन 11 में छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। भाजपा ने दावा किया है कि वो सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतेगी। उधर कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा चुनाव में उसे 5 लोकसभा सीटों पर बढ़त मिली थी और वो इस बढ़त को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। भाजपा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचा रही है, वहीं कांग्रेस राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लोकसभा सीटों में अपने फायदे के रूप में देख रही है। भाजपा के कार्यकर्ता केंद्रीय योजनाओं के हितग्राहियों से संपर्क साध रहे हैं। उधर कांग्रेस जातिगत समीकरण पर फोकस कर रही है। इन सबके बीच राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेली जाति को लेकर दिया गया बयान भी सियासी विवाद का रूप ले रहा है और भाजपा इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। तो फिर आने वाले चुनाव में क्या है राजनीति का मिजाज, आज बात करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। चाहे कोई कितना भी कोई स्टंट कर ले, भैया मोदी जी की सरकार आनी है, ये तय है। 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ से माननीय मोदी जी के लिए जाएंगे, यह भी तय है। इन बातों में कोई संशय नहीं है। जनता तैयार है मोदी जी को वोट देने के लिए। यह है कि कांग्रेस ने फिर नए सिरे से हम लोग लोकसभा की तैयारी कर दी है। सभी बड़े नेता एकजुटता से हम लोग काम करेंगे और लगातार PEC और स्क्रीनिंग कमेटी बैठक भी हुई और चुनाव हम लोग लोकसभा बेहतर लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। और विधानसभा की जो रिजल्ट आया, अब लोकसभा में देखेंगे रिजल्ट जस्ट उल्टा आएगा और कांग्रेस को इसमें फायदा होगा। चाहे कोई कितना भी कोई देखिए, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 2019 में 9 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में और 2 लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी 400 पार का नारा तो लगा रही है, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी ये कह रही है कि 11 की 11 लोकसभा सीटें बीजेपी की होगी। लेकिन इस मिशन को किस प्रकार से पूरा किया जाएगा और कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहेगी, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और एक खास पैनल भी हमारे साथ में जुड़ गया है, राहुल टिकरिया भाजपा की ओर से, कांग्रेस की ओर से अनिल चौहान और उसके साथ थी अखिल पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगी अनिल जी आपका, जिस प्रकार से बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि 11 की 11 लोकसभा सीटें इस बार बीजेपी जीतने वाली है, ऐसे में क्या समझा जाए कि यह बीजेपी का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरह से, चाहे वो धर्म का विषय आप देख लीजिए, अभी धर्मांतरण पर कानून की बात बनाने की बात आ गई थी, ED IT CBI का उपयोग करना, लगातार आप देख रही होंगी कई प्रदेशों में प्रलोभन देकर या दूसरे दलों के नेताओं को ED IT के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने का खेल चल रहा है, उसके बाद उनके खिलाफ जांच बंद कराना। ये सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी भाजपा को अब लगता है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा रहा है, इसलिए नई नई घोषणाएं करना, सिगूफे देना, कभी कहते हैं 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, कभी कुछ कहना। जबकि अगर आप मैदान पे देखें तो सुशासन दिवस पे दिया गया इनका पैसा भी किसान विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। 25 दिसंबर का पैसा 55,000 की किस्त में किसान निकाल पा रहे हैं, बैंक से विड्रॉ नहीं हो रहा है वो पैसा, भौतिक रूप से उसका सत्यापन कर लीजिए। तो अब भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि 2014 में जो हमने वादे किए थे 100 दिनों में महंगाई कम करने का, 2 करोड़ नौकरियों का, अब स्थिति ये हो गई 45-50 साल की सर्वाधिक महंगाई, सर्वाधिक बेरोजगारी इस देश में है, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है कि अब करें क्या। तो इस तरह से एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। असल में जनता इनका सच जान चुकी है कि ये लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, सद्भावना के विरोधी है, भाईचारे के विरोधी है और वादा खिलाफी तो इनके रग रग में है। तो आज भारतीय जनता पार्टी अपना बचाव करने के लिए एक रणनीति के तहत इस तरह की बातें कर रही है। इन बातों से कुछ भी नहीं होगा, जनता ने जो मन बना लिया है कि इस सरकार को अब उखाड़ना है, इस सरकार आतताई हो गई है, आतंकी हो गई है, दहशतगर्द हो गई है, तो वो परिणाम जनता इनको इस चुनाव में निश्चित रूप से। ठीक है अनिल जी, लेकिन अगर देखा जाए तो मोदी चेहरा एक बड़ा भाजपा के पास में जीत का दावा भाजपा इसी के तहत करती है, दूसरी चीज बात कर ली जाए तो मोदी की गारंटी पर भी लगातार भाजपा फोकस कर रही है, ऐसा भाजपा का कहना है। उसके अलावा 2023 का विधानसभा चुनाव भी भाजपा जीत चुकी है, ऐसे में कांग्रेस के पास में ऐसे कौन से मुद्दे हैं, कौन सा आधार है जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव के मैदान में कांग्रेस उतरेगी? देखिए अनुपमा जी, 2003 में कांग्रेस यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, राजस्थान में भी बनी थी, मध्य प्रदेश में भी बनी थी, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी आई थी और उस जीत के बाद भी 2004 में UPA की सरकार बनी,
लोकसभा में हमने अधिक सीटों पे जीत हासिल की और सरकार में आ गए। तो देखिए, विधानसभा से लोकसभा की तुलना की नहीं जा सकती। दूसरी बात, रहा सवाल मोदी की गारंटी का, तो मोदी जी ने यही छत्तीसगढ़ में खड़े होकर कहा था, रमन सिंह जी भी उस मंच पर थे, ये मोदी की गारंटी है कि रमन सिंह जी की भी वाइफ को प्रति महीने 1,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले। मोदी की गारंटी थी कि सिलेंडर सस्ता मिलेगा, नहीं मिला। और जब 2014 में भी आए थे, इन्होंने काला धन 15 लाख रुपए, और मैं पहले भी बहुत सारी बातें बता चुका हूं, तो लगातार इनकी वादा खिलाफी से जनता त्रस्त है। कभी ये अमृतकाल की बात करते हैं और फिर कभी कहते हैं कि बस्तर में इतना अभाव है कि लोग प्रलोभन देके धर्मांतरण कर रहे हैं। तो इनकी बातों से ये स्पष्ट होता है कि आज देश 10 साल में बदहाली की ओर है। जो लोग गरीब हैं और गरीब होते जा रहे हैं, और जो 4-6-10 पूंजीपति हैं जो मित्र हैं मोदी जी के, सिर्फ उनका विकास हो रहा है। तो देश आर्थिक विषमता से जूझ रहा है। ठीक है, मैं राहुल जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। राहुल जी, जिस प्रकार से 11 की 11 सीटें जीतने का दम भाजपा भर रही है, इसका आधार क्या होगा? अनुपमा जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मैं नमस्कार। देखिए, आज तो ऐसी स्थिति है कि नरेंद्र मोदी जी एक बार कहते हैं अब की बार, तो जनता आवाज मारती है कि 400 पार। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे देश भर में जो माहौल है वो ऐसा है कि ये मान के चलिए कि पूरे देश भर में हमारी सीटें 400 पार जाने वाली है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का विषय मैं बता दूं, मोदी जी की गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है। और सरकार बनते ही 25 दिसंबर को हमने पूर्व की सरकार में हमारा 2 साल का बोनस जो बचा हुआ था किसानों का हमने दिया। उसके बाद 3100 रुपए क्विंटल धान के दर से जो अंतरराशि बहुत जल्द किसानों के खाते में जाने वाली है, उसके लिए करीब 22,000 करोड़ की व्यवस्था की जा चुकी है बजट में। आगे मैं बता दूं, महतारी वंदन योजना मातृशक्तियों के साथ में हमने जो वादा किया था कि हम प्रति माह 1,000 रुपए देंगे, 21 वर्ष से अधिक आयु वाली जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं उनका फॉर्म कलेक्ट किया जा रहा है, 60 लाख फॉर्म भराए जा चुके हैं, उसके लिए भी 20,000 करोड़ के आसपास की व्यवस्था अभी बजट में हो चुका है। आप देखिए पीएससी का मामला, इनके सरकार में जो पीएससी का घोटाला हुआ था, छात्रों के भविष्य के साथ में जो खेल हुआ था, उस पर हमने वादा किया था कि हम जांच करेंगे, तो इन्होंने 5 साल तक जिस सीबीआई पर बैन लगाया था, हमने उसी सीबीआई से जांच करवाया और इन्हीं के सरकार में रहे अध्यक्ष और सचिव के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है। अयोध्या यात्रा प्रारंभ हो चुकी है निःशुल्क में, 21 क्विंटल धान खरीदी हो गई इस बार। उसके अलावा 18 लाख प्रधानमंत्री गरीबों के आवास इन्होंने रोक रखे थे, जिस पर मुहर लगाई जा चुकी है, उसके लिए पूरा बजट का प्रावधान किया जा चुका है, स्वीकृति दी जा चुकी है। तो जाहिर सी बात है, मोदी जी की गारंटी महज 2 माह की सरकार में अधिकांश पूर्ण होने वाली है और जनता तक पहुंचने वाली है। तो ये 2 सीट जो कांग्रेस के पास थी छत्तीसगढ़ में लोकसभा की, वो भी इस बार हम छीनेंगे। पूरी 11 के 11 की सीटें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पाले। ठीक है अनिल जी, एक और आप कह रहे थे कि मोदी की कोई गारंटी नहीं है और वादे पूरे नहीं किए जा रहे, लेकिन दूसरी ओर राहुल जी तो एक के बाद एक वादे गिना रहे कि हाँ हमने ये पूरा किया है, क्या कहेंगे आप? अनुपमा जी, जिसको ये कह रहे हैं कि 2 साल का बोनस हमने दिया, उसको मैंने पहले ही बताया, वो बोनस आप जाइए और किसानों से पूछिए कि वो बोनस आपके खाते में दिखाता है, लेकिन क्या आप उसका विड्रॉ कर पाए? 25 दिसंबर का पैसा आज तक किसान नहीं निकाल पाया है। बैंकों को इन्होंने लॉक कर दिया है कि साहब 55-10 हजार रुपए दीजिए। अब आप आ जाइए महतारी वंदन योजना पर। महतारी वंदन योजना में नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जमीन पर, इस पावन मिट्टी पर खड़े होकर कहा था कि हर महिला को, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। 20 लाख महिलाओं को इन्होंने क्राइटेरिया में रखा है, 85 लाख महिलाएं उस योजना से वंचित हो गई हैं। और रहा साहब आ जाइए धान पर, आप धान इन्होंने किसानों को रुला रुला के खरीदा, लेकिन 3100 रुपए कुश्त देने का ये वादा कर रहे थे, ये तो बोनस की राशि एक कुश्त नहीं दे पा रहे हैं, धान का कहां देंगे? बाकी ये सिर्फ देखिए राहुल जी, पहले अनिल जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास, आपसे भी प्रतिक्रिया लूंगी। चाहे मैं तो इनको चुनौती दे रहा हूँ अनुपमा जी। चलिए, अभी एक ट्रैक्टर किसान का ट्रैक्टर खींच रहा था, वो मुझे दिखाया कि साहब मेरे खाते में ये इनके सुशासन दिवस पर पैसा आया है, लेकिन मैं अपने ट्रैक्टर की किस्त नहीं दे सकता। बैंक मैनेजर से जब हम लोगों ने पूछा तो बोले साहब इसमें निर्देश है कि हम प्रति सप्ताह 10,000 रुपया 5,000 रुपया दे सकते हैं। तो ये इनकी सच्चाई है ना, ये महतारी वंदन योजना को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं ना, धान खरीद पा रहे हैं किसानों की, इनकी पूरी खस्ता हालत है, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। इनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में रखा हुआ है, कोई भी मंत्री उस रिमोट के बिना एक एक्टिविटी नहीं कर सकता है। आए दिन बिलासपुर में, कल देखिए खुलेआम हत्या हो गई,
महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ अत्याचार जब से इनकी सरकार बन रही है लगातार हो रहा है। आप देखिए, कल बिलासपुर में दो नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो गया, एक तीसरी कक्षा की, एक पांचवी कक्षा की है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, खुलेआम चौक चौराहों में चाकूबाजी और हत्याएं हो रही है, और ये दावा कर रहे हैं कि ये सीटें जीतेंगे। आप इनकी देखिए, 2014 में जो वादे थे मोदी जी के वो पूरे नहीं हुए, 19 की तो बात छोड़ दीजिए, आवास योजना की ये बात कर रहे हैं। अगर 14 में वादे पूरे नहीं होते अनिल जी, तो फिर 2019 में बीजेपी की सरकार केंद्र में क्यों बनती और 9 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में क्यों जीतती? मैं बता रहा हूँ अनुपमा जी, जब भी चुनाव आते हैं ये हैवी वजनी शब्द लाते हैं। अभी अमृतकाल लेकर आए थे, अमृतकाल चल रहा है कहते थे, और आप देखिए कि भुखमरी से मौतें हो रही, किसान आत्महत्या कर रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर देखिए किसानों की स्थिति क्या है, 750 किसान अपनी आहुति दे चुके हैं, उनको सिर्फ रबर की बुलेट और आंसू गैस के गोले मिल रहे हैं। और 14 से 19 वाला जो सवाल है, जब जब चुनाव आते हैं इनको या तो राम याद आते हैं या तो ईडी आईटी सीबीआई, ये इनकी चुनाव की एजेंसी है, ये इनके भाजपा के जितने प्रकोष्ठ गौण है इनके भरोसे। ठीक है, इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगी राहुल जी की, लेकिन अखिल जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए, एक बार उनसे प्रतिक्रिया ले लेती हूँ उस पूरे मुद्दे को लेकर। अखिल जी, जिस प्रकार से देख रहे हैं कि एक और बीजेपी कह रही है कि 11 की 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीतने वाली है, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो क्या लगता है कि 2024 में भाजपा और कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? अनुपमा जी, शो पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अनुपमा जी, मैं एक दो बातें जो है लॉजिकली जो है वो बात करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा के अभी तक जो है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 4 लोकसभा चुनाव हुए, 2004, 2009, 2014, 2019 जी। ये इसमें से जो 3 चुनाव हुए हैं वो बीजेपी सरकार के रहते हुए हुई है जी चुनाव, और एक चुनाव जो है 2019 में भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार जब थी तब हुई थी। तो इन चारों चुनाव में आपने देखा है कि बीजेपी को किस तरीके से एक तरफा बहुमत मिला है, 11 में से 10 सीटें 3 बार मिली हैं, जबकि कांग्रेस की जब क्लीन स्वीप कर दी थी बीजेपी को, 15 सीटों में सिमटा दिया था 2018 में, और 6 महीने बाद चुनाव हुआ था तो फिर से बीजेपी 9 सीटों के साथ लोकसभा की चुनाव जीती थी जी। ये जो आधार है ये अपने आप में बड़ा आधार है। तो इस स्थिति में अगर देखें तो इस बार जो चुनाव होगा वो उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, बीजेपी के खिलाफ में वोटर जाएंगे इसकी संभावना कम नजर आ रही है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की स्थिति में पहली बार 2018 का चुनाव ऐसा हुआ है जब केंद्रीय नेतृत्व के बल पर विधानसभा चुनाव हुआ था। इसके पहले जितने भी चुनाव हुए थे लोकल मुद्दों पर चुनाव होते थे, लोकल मुद्दे होते थे, लोकल लीडर होते थे, लीडरशिप होती थी और उसके दम पर विधानसभा के चुनाव लड़े जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि 2018 का विधानसभा चुनाव है मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया था, और जिस तरीके से कांग्रेस की जो सरकार जो है ध्वस्त हुई थी, और जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही थी कि देश में छत्तीसगढ़ की सरकार एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, लेकिन नहीं हो पाई। अब ऐसी स्थिति में जहां पे एनडीए अलायंस जो है लगातार मजबूत होते जा रहा है, और कांग्रेस की जो इंडिया अलायंस है वो कमजोर होते जा रहा है, यह भी लोगों को मालूम है। ऐसी स्थिति में जब नेतृत्व जो है नरेंद्र मोदी का इतना प्रभावशील और इतना मजबूत दिखाई दे रहा है पूरा देश में, लेकिन अखिल जी दीपक बैच का तो ये कहना है कि 2023 के बिल्कुल अपोजिट में 2024 का चुनाव होगा, यानी कि जीत के परिणाम कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें कांग्रेस लेकर आएगी। देखिए, ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है जी, मैं बीजेपी का ना प्रवक्ता हूँ ना कांग्रेस से मेरे को कोई लाभ है जी, लेकिन जो तथ्य है, तथ्यात्मक बात है, बिना बेसिर पैर के बात करना ये अलग चीज होती है जी। लॉजिक बात करने का अर्थ निकलता है, और लॉजिक जो है वो बीजेपी के पक्ष में अधिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि तो अभी तक जब 15 सीटों में सिमट गई थी बीजेपी, तब 9 सीटों में जीत हासिल किया था बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में,
तो ऐसी स्थिति में अब कैसे किस आधार पे वे कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं, ये उनको बताना चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर हम 2018 और 19 के परिणामों को देखें तो छत्तीसगढ़ की जनता को राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दे बखूबी पता और उसी के आधार पर वो वोट करती, लेकिन इस बार 2024 का किस प्रकार का परिणाम देखने को मिलता है वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, राहुल जी का रुख कर लेती हूँ। राहुल जी, एक और तो 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने की बात यहाँ पर भाजपा कह रही है, लेकिन अगर हम 2023 के विधानसभा चुनाव से कंपेरिजन करें तो 4 लोकसभा सीटें ऐसी है जहाँ विधानसभा सीटों में बहुत कम जीत पाई है भाजपा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर बात कर ले जांजगीर चांपा, यहां की एक भी विधानसभा सीटों पर जीत नहीं पाई थी बीजेपी, तो उसके लिए क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की? अनुपमा जी, मैं बता दूं, मोदी जी का जादू पूरे देश भर में है, जन जन में मोदी जी मन में समाये हुए हैं। और रही बात, उन्होंने जिस प्रकार से अभी अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर 22 तारीख को पूरे देश भर में बड़े उत्साह के साथ में मनाया गया, श्री राम लला जी विराजमान हुए, और ये विश्वास पूरे देश भर में एक बढ़ा है, आस्था का केंद्र बढ़ा है। और आप देखिए देश भर में अयोध्या के लिए जिस प्रकार से आस्था का केंद्र के तहत निःशुल्क ट्रेनें चलाई जा रही हैं, यात्राएं कराई जा रही हैं, आप किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को कोई जरूर, मैं अभी देख रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव 2024 का जो चुनाव है ये पूर्व के चुनाव से बिल्कुल अपोजिट होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा, हर चुनाव से अपोजिट होगा, कांग्रेस सबसे कम। ठीक है, मोदी एक बड़ा फैक्टर माना जा सकता है जीत के लिए, लेकिन राहुल जी जिस प्रकार से हमने 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद में देखा तो 5 सालों में छत्तीसगढ़ में कई ऐसी ट्रेनें थी जो कि रद्द हो गई या बंद हो गई, ऐसे में आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी थी। आम जनता को तो ये भी कहना है कि हमने जिन 9 सांसदों को जिताया था उनसे जाके शिकायत की तो उस पत्र का जवाब नहीं आता था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार पर भी तो सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं वो सुविधाएं नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, तो ऐसे में जनता क्या उम्मीद करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल अनुपमा जी, मैं बता दूं आपके ही चैनल में ट्रेनें रद्द वाले विषय में हम कई बार डिबेट पर बैठे जी, और मैंने आंकड़े भी आपके बीच में प्रस्तुत किए किस प्रकार से तेजी के साथ 2 लेन 3 लेन और मरम्मत का काम और नवीनीकरण का काम और साथ ही नए रेलवे लाइन का काम सबसे ज्यादा आज तक के रिकॉर्ड जी। ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ अनिल जी से। जी अनिल जी कहिए। ठीक है अनिल जी, जिस प्रकार से यहाँ पर राहुल जी के द्वारा कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा विकास अगर हुआ है तो वो छत्तीसगढ़ में हुआ है, अगर ट्रेनें रुकी भी है तो कहीं ना कहीं चौड़ीकरण का काम किया गया है ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को सुविधा मिल सके, इसे किस प्रकार से देख रहे हैं आप? अनुपमा जी, राहुल जी तो ठीक है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो तो चीजों को जब ट्रेनें रद्द करने की आप बात करेंगे तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात करेंगे, जब आप कहेंगे कि क्यों बेरोजगारी अपनी चरम पर है, क्यों पूरे हिंदुस्तान भुखमरी के इंडेक्स में 115वें नंबर पर आ गया, तो फिर ये क्या कहने लगेंगे अभी काशी मथुरा बाकी है। जब आप और किसी बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई की, तो ये कहने लगेंगे कि हिंदू क्रिश्चियन ऐसा ऐसा है। समस्या तब होती है जब आपके चैनल पर वरिष्ठ पत्रकार बैठते हैं और वो किसानों की बात नहीं करते, वो महंगाई की बात नहीं करते, मोदी जी का महिमा मंडन करते हैं। क्यों है, क्या लॉजिक है? मैं समझता हूं कि जनता हो सकता है भ्रमित हो जाए धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर, हो सकता है भ्रमित हो जाए किसी प्रकार के इस तरह के खेल तमाशे पे, अदानी का पैसा, ईडी, आईटी, सीबीआई। आप देखिए जिस तरह से विधानसभा चुनाव के पहले असीम दास को ईडी ने पैदा कर दिया और 4.5 करोड़ की रकम बरामद कर ली भाजपा नेता की कार से, और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुए असीम दास का बयान पलट गया। ये सारे खेल जो हो रहे हैं, और अभी तो चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री जी अपने हाथ में ले लिए, सीजीआई साहब को बाहर कर दिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं करेंगे, हम करेंगे साहब। तो जिस तरह से डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, बुद्धिजीवी कौम जो हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारों को समझते हैं, आज आप देखिए कि उनकी स्थिति इतनी गौण हो गई है कि कभी वो बुलेट पे सवारी कराते हैं भाजपा नेताओं की, और कभी मोदी जी के महिमा मंडल में 8-8 घंटे लाइव दिखाते हैं, कभी ये पूछते हैं कि आप आम काट कर। ठीक है अनिल जी, अगर आप ऐसे सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो आप पर भी उठता है, 5 साल आपको जनता ने मौका दिया था, आप क्यों नहीं बचा पाए अपनी शान? बात होती है महंगाई पे, बात होती है जब ये बात होती है किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है, जब ये बात होती है कि अदानी की जांच क्यों नहीं होती, उसके यहाँ तो 1000 करोड़ की हीरोइन मिल रही है पोर्ट में, कहां से 20,000 करोड़ आए, उस पे उन चुप्पी साध लेते हैं।
तो ये इस देश के लिए दुखद है अनुपमा जी। और रहा सवाल चुनाव का, तो जनता बताएगी। और ये कह रहे थे कि ऐसा ऐसा परिणाम आया, अभी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे 1984-89 आप आंकड़े देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का सर्वाधिक इस देश में जमानत जब्त करवाने का रिकॉर्ड है, उसके बाद भी भाजपा सरकार में बड़े। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अनिल जी से अखिल जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अखिल जी, अभी है और जनता जो जी, ठीक है अनिल जी, ठीक है ठीक है, अखिल जी जिनको अपनी बात रख लेने दीजिए। देखिए अनुपमा जी, जी अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो पार्टी लाइन से अलग अपनी बात नहीं कर सकते, ये उनकी मजबूरी है, लेकिन वास्तविकता और तर्क और लॉजिक जो है एक अलग, तथ्यात्मक जो चीजें हैं अलग है। जी। आप देखिए, मैं ना तो किसी मोदी जी का महिमा मंडन कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी के फेवर में बात कर रहा हूँ। मैं देखिए, पहले सोशल मीडिया भी नहीं था, आज की स्थिति में सोशल मीडिया है और उसमें सारे जो जनता है वो सब सारे मामलों से जुड़े हुए हैं, सारी चीजों को देखते हैं, उनको आप भ्रमित नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में पहले जब 11 सीट में 10 सीटें मिलती थी और 2019 में 9 सीटें मिली थी, उस समय कौन सी ऐसी स्थिति थी कि आप क्लीन स्वीप नहीं कर पाए, आपकी सरकार थी। भाजपा के खिलाफ पोस्ट डालकर देखिए और आपको दूसरे दिन वो गायब मिलेगा, अपने दोस्तों को टेक करिए, उनको पूछिए, आपको दिखाएगा। ठीक है, हम फिलहाल छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता। अनुपमा जी देखिए, अनुपमा जी उस पर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। अनुपमा जी, आप सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका है, आपका नेता कौन है जिसको आप बार बार लॉन्च कर रहे हैं, ये देश की जनता के साथ धोखा है कि नहीं? जो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है कांग्रेस से। भाषा बोलने लग गए हैं अखिल जी, अब अच्छा लग रहा है। आप आम जनता के, आम जनता, अनिल जी आप ऐसे सवाल नहीं उठा सकते। जनता के खिलाफ ये धोखा है, एक आदमी को बार बार 2004 से लेकर 2030 तक की सरकार की स्थिति, ये उस पर कहा है। आज मोदी इतने मजबूत है, उसको कौन किया है मजबूत इतना? मोदी जी का महिमा मंडन करे भाई, मोदी को किसने मजबूत किया है ये बताइए मुझे। मोदी जी को इतना मजबूत कौन किया है भाई? दशकों पे छोड़ता हूँ कि मोदी जी को इतना मजबूत कौन किया है? इतना कमजोर नेतृत्व आप लोगों ने दिया है, मोदी जी इतना मजबूत हो गए हैं, क्या आप लोगों को कोई नेता नहीं मिलता क्या? चलिए ठीक है, समय काफी कम है, मैं सीधे रुक कर लेती हूँ राहुल जी का, उनकी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर आगे चर्चा करेंगे। राहुल जी, जिस प्रकार से एक ओर मोदी की गारंटी दी जा रही है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। एक और अगर देख लिया जाए तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, तो हम एमएसपी की गारंटी देते हैं, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो मोदी की गारंटी है। और वहीं पर अगर हम राहुल गांधी की गारंटी की बात करें, एमएसपी की गारंटी, तो कितना असर देखने को मिलेगा और क्या लगता है कि क्या ये लोकसभा चुनाव पर प्रभाव डाल सकता है? राहुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। हाँ, जी जी, अब बोलिए। जी बोलिए। मैं बता दूं अनुपमा जी, पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और एक एक व्यक्ति जानता है कि राहुल गांधी की बातों पर कोई भरोसा करने वाला है नहीं, कि वह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, एनडीए अलायंस की कई टीम नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इनका टीम भक्त है। और दूसरी बात मैं बता दूं, ये किसी भी प्रकार से एकजुट नहीं होने वाले। और सबसे बड़ा विषय मैं आपको बता दूं, 2024 का ये जो चुनाव है, ये कांग्रेस के लिए सबसे खराब चुनाव होने वाला है, सबसे कम सीटें इतिहास में कांग्रेस के पास में आने वाली है, तो वो 2024 का चुनाव होगा। आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की टीम 400 सीटें पार करेंगी, 400 सीटें पार करेंगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की टीम। उसके कारण लोकतंत्र जो खत्म हो रहा है उस पर अरे आप देखिएगा, कुछ बार चुनाव बचे हैं जी। ठीक है, समय काफी कम है, माफी चाहूंगी मैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, उस डिबेट पे शामिल होने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार सवाल उठ रहे हैं, एक और मोदी की गारंटी की बात करनी जा रही है, तो वहीं पर राहुल गांधी की एमएसपी की गारंटी की बात कही जा रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन ये दावे जो है वो पूरे तरीके से झूठे हैं। तो वहीं पर कांग्रेस का ये कहना है कि मोदी की वजह से कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं और जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही कि आखिर जनता क्या फैसला करेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।